नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ ललिता जामवाल। इस समय हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं और हम इस समय चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर मौजूद हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले चुकी है और बड़े स्तर पर जो कोरोना के केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं और इसी के चलते लोगों को ये डर है कि आगामी 2 या 3 या 4 मई से कहीं पूरा लॉकडाउन ना लगा दिया जाए, क्योंकि अभी सरकार ने पहले जो प्रशासन है सरकारों की तरफ से पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद अब वीकेंड भी लगा दिया गया और इसी के चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने यहाँ बस स्टैंड में जो है 43 के बस स्टैंड में कैंप लगाया ताकि वो अपना कोविड टेस्ट करवा के जा सके और कहीं भी इस बीमारी को ना फैला सके। तो पर ये सामने आया और ये देखा गया कि कुछ लोग तो बड़े इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं, क्योंकि उनको घर जाना है तो वो अपना कोरोना जो टेस्ट है वो यहाँ बस स्टैंड से करवा रहे हैं, अपना जहाँ भी जाए अपना कोरोना टेस्ट करवा के जाएँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार ने इस यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए ये जो कैंप है लगाया हुआ है, तो वो अपना टेस्ट करवाएं और खुद भी सेफ रहें और लोगों को भी सेफ रखें। जा रहा हूँ लेकिन बस मुझे अपनी सेफ्टी और फैमिली की सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा डाउट था। मैं किसी कॉन्टेक्ट में आया था लास्ट टाइम, सो ऑफिस में कुछ लोग थे तो उनमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो फिर बस अपनी सेफ्टी के लिए कुछ होता है कि थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हो, प्रिकॉशंस और अच्छे से ले पाते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। तो अभी चंडीगढ़ में कहाँ रह रहे हैं? मैं चंडीगढ़ में अभी सेक्टर 23 में। राइट, लेकिन वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग इतना है, सुबह से ही एक बाहर क्यू लग जाती है लोगों की, जो कि और उनके प्रोसेस थोड़े से मैं कहूँगा कि काफ़ी लेंथी हैं और इट टेक्स 2 to 3 days मिनिमम। लगता है कि यहाँ कुछ खामी है, क्योंकि जब लोग इतने बड़े स्तर पर लाइन में लग जाते हैं तो उनको चाहिए कि इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए या फिर ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आपको सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, वहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे ही लगना पड़ता है। प्लस इसमें होता क्या है, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप पूरे दिन से हॉस्पिटल में हैं और कहीं आपके एनवायरमेंटल या कहीं पे आपको ने टच कर दिया, कुछ और हो गया, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को फटाफट एक बाहर बूथ बना के फटाफट से इनको एक्शन लिया जाए कि आप सुबह आए हैं तो विद इन हाफ एन आवर मैक्सिमम आपका टेस्ट हो जाए, जो कि आपकी RT-PCR जो टेस्ट है वो फटाफट हो। हाँ, टाइम लेस नेगेटिव मैम जी। ये काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, ओपन है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ये कि यहाँ पे कोई क्यू का नहीं है, फटाफट आओ और आपको रिजल्ट उसी टाइम पे इंस्टेंट मिल जाता है। मैं लास्ट ईयर मैंने देखा था रैपिड टेस्ट में कुछ खामियाँ थी, जहाँ पे आपको नेगेटिव बता के या फिर पॉजिटिव बता के कोई फटाफट रिजल्ट नहीं शो कर पाते थे लोग, लेकिन इस बार अच्छा लग रहा है, काफ़ी ठीक है। तो आपने अब आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है वो टेस्ट हो रहा है सेशन पे। तो आपने देखा कि किस तरह से इनका ये चंडीगढ़ के सेक्टर 23 के रहने वाले हैं जो, और इनको ये लगता है कि वहाँ पर जो क्यू में जाके ज़्यादा 5-5 घंटे जो है वो खड़े रहना पड़ता है, जिस कारण इनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा और इसी वजह से ये यहाँ पे बस स्टैंड में आए हैं। तो प्रशासन को भी ये चाहिए कि जिस तरह से लोगों को दिक्कत आ रही है तो इस दिक्कत को जो है शॉर्ट आउट किया जाए ताकि उनको किसी भी तरह की समस्या ना आए। तो मैम, आपसे हम बात करना चाहेंगे, आइए हम बात करते हैं मैम से। तो मैम, ये कब से टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो हम GMCH की टीम है, हम दिसंबर से यहाँ पोस्ट हो रहे हैं, डेली आते हैं, किसी भी हॉलिडे, कोई हॉलिडे नहीं है हमारा, हम रोज़ आते हैं, हमारी टीम रोटेटरी बेसिस पे, हम MD डॉक्टर हैं, पोस्ट MD हमारी यहाँ ड्यूटियाँ लगती हैं, हम रोज़ यहाँ पे टेस्ट करते हैं 9 से 5 बजे तक, ताकि जो भी यहाँ पे आ रहा है ये स्क्रीनिंग मेथड हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो, जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते, जिनको दूर लगता है या कोई बस से उतर रहा है, जिसने ट्रैवल करना है उसके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे टेस्ट होए। हम यहाँ पे ही बता देते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ताकि अगर कोई पॉजिटिव है वो जाके बाहर ना फैलाए कोरोना, उसको हम यहाँ से ही भेज देते हैं कि भैया आप घर जाओ, आपने बाहर नहीं जाना, लोगों को स्प्रेड नहीं करना, घर पे 17 डेज़ के लिए आइसोलेट हो, आपको कॉल आएगी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। दिस इज़ जस्ट ताकि वी आर हेल्पिंग कि स्क्रीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी तक मैम कितने टेस्ट हो चुके हैं? देखो, अराउंड हमारे 60 to 70 पर डे हो जाते हैं यहाँ पे टेस्ट, बट आज जैसे लॉकडाउन है
और लोग कम हैं, तो अभी तक हमारे सिर्फ 20 पेशेंट्स हुए हैं। हम पूरा रिकॉर्ड इनका रखते हैं, इसके बाद ये सारा डिपार्टमेंट में जाता है और इनको रिपोर्ट्स टेलीफोनिकली जाते हैं। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है, हम GMCH का इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है ये पूरा भरते हैं, पेशेंट से पूरी हिस्ट्री लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, घर पे कोई कॉन्टैक्ट है। और आज अब जो हमने नई चीज़ ऐड की है कि वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं, बिकॉज इतनी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, सो वी ट्राई टू आस्क द पेशेंट कि आपने कौन सी वैक्सीन लगाई है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कब लगवाई है, सारा डाटा फिर हम ICMR को भेजते हैं डेली। तो वैसे मैम यहाँ वैक्सीनेशन का भी होगा आगे आने वाले टाइम में जैसे? हाँ, वैक्सीनेशन तो हर जगह हो रही है। यहाँ पर भी है इसका प्रबंध? नहीं, यहाँ पे तो टेस्टिंग हो रही है, वैक्सीनेशन का वी डोंट हैव द मीन्स ओवर हियर। हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन इज ओपन फॉर पब्लिक। तो मैम जैसे जिनकी कहीं कहीं से आपको पता है लोग आ रहे हैं, घरों को जा रहे हैं, हाँ, तो जिन लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, ऐसे हाँ, में मतलब उनके उनके क्या आगे क्या? जैसे अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहते हैं कि आपके घर साथ कोई और है या घर में है, उनको इमिजिएटली टेस्ट किया जाए, आप घर पे आइसोलेट करो, आप पूरी प्रिकॉशंस फॉलो करो, ताकि पूरा प्रोटोकॉल उनको फ़ोन पे तो बताते ही हैं, हम भी बताते हैं कि आप प्लीज़ सीधा घर जाओ, डोंट स्प्रेड मोर कोरोना एवरीवेयर। और वी इनकरेज कि अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को चाहे यहाँ ले आओ, चाहे हॉस्पिटल, चाहे होम कलेक्शन, ताकि एवरीवन शुड बी टेस्टेड। एक मैम ये भी बात सामने आई है कि जो कोरोना पेशेंट पाए जा रहे हैं उनको लेकर ये है कि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है और उनका 15 से 20 दिन जो इलाज उनका चलता है, अगर वो ठीक भी हो जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट के ऊपर वो कोरोना पॉजिटिव या फिट या कुछ इस तरह का लिखा नहीं जाता, जिस कारण जो घर के दूसरे जैसे जो जॉब करते हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके जो जॉब पर यही कहा जाता है कि उनकी जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ जाती, हाँ, तब तक आप नहीं आ सकते। आई अंडरस्टैंड दिस इज हैपनिंग। क्या है कि मैम उन लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है, इस केसेस कुछ सामने आए हैं? बिल्कुल, तो ये बात है, हमारे पास 32 में भी जब आते हैं, एक्चुअली वी आर पैथोलॉजिस्ट, तो वी कैन नॉट सर्टिफाई कि आप फिट टू ज्वाइन हो, तो हम ये लिख देते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोटोकॉल है, अगर आप पॉजिटिव आए हैं, 17 डेज अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो किए हैं, आइसोलेट किया है, उसके बाद यू डू नॉट नीड अ रिपीट टेस्टिंग एज पर व्हाट वी हैव बीन टोल्ड बाय आर नोडल ऑफिसर्स, तो हम नहीं इनकरेज करते कि वो दोबारा टेस्ट कराएं। और हम एज पैथोलॉजिस्ट, हमने पेशेंट एग्जामिन नहीं किया, हमने पेशेंट फॉलो नहीं किया, हमें नहीं पता 17 दिन उसने कैसे ट्रीटमेंट लिया है, क्या उसकी हालात है, तो इसलिए हम उसको फिट नहीं लिख सकते। दिस इज़ द वर्क ऑफ एन MD डॉक्टर मेडिसिन का जो लिख सकता है। हम ये लिख देते हैं कि पेशेंट इस दिन पॉजिटिव आया था, उसके बाद उसने अकॉर्डिंग टू द पेशेंट 17 दिन आइसोलेट किया है और अब उसकी क्वारंटीन ख़त्म है। एज पैथोलॉजिस्ट वी आर टोल्ड बाय आर नोडल ऑफिसर टू राइट दिस। उसके आगे हमारी भी लिमिटेशन है, क्योंकि हमने MD पैथोलॉजी में की है, वी कैन नॉट कमेंट ऑन हिज फिटनेस, बट हम ये लिख देते हैं ज़रूर पेशेंट के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के बस स्टैंड पे जो लोग हैं वो कोरोना का टेस्ट करवा रहे हैं, और उनके जो पहले इससे उनको भी जाके सुविधा, ताकि वो आगे जाके उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना है। हाँ, इस बार में जिनके पॉजिटिव आ जाती है उनको उनके आगे इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ताकि वो प्रॉपर मेडिसिन ले सकें और अपना इलाज करवा सकें, ताकि इस नामुराद बीमारी से वो बच सके। तो आइए हम आगे भी बात करेंगे जो आए हैं और जिनको बाहर जाना है अपने अपने घरों की तरफ, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि अब 3 तारीख से लॉकडाउन लग सकता है, जिस कारण लोगों में काफ़ी डर है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ बस स्टैंड पे जो है वो कोरोना का टेस्ट हो रहा है। तो आप हाँ जी हमारे साथ बात करेंगे, आपने कोरोना पॉजिटिव जो ये सॉरी कोरोना टेस्ट करवाया, तो ये आप कहाँ जा रहे हैं? मैं एक्चुअली हिमाचल जा रहा हूँ। अच्छा, हिमाचल जा रहे हैं? तो हिमाचल जा रहा हूँ मैं। अभी मतलब आप जॉब करते हैं? मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था होटल में, पर होटल कोविड के कारण क्लोज हो रहे हैं, तो इस करके हम हिमाचल के रहने वाले हैं, हिमाचल जा रहे हैं वापस। तो इसके लिए इन्होंने रिपोर्ट जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट ने वैलिड की हुई है कि विदाउट रिपोर्ट आप एंट्री नहीं कर सकते हिमाचल में। अभी ये पिछले भी आपको पता लॉकडाउन की वजह से बड़ा, हाँ जी, हुई है, और अब फिर से वहाँ पे कितने ऐसे हैं जो आपके नॉन में होंगे जिनको जॉब से निकाला जा चुका है, तो आप इस अप्रोक्सीमेटली 80-90 पीपल्स आर लेफ्ट अ जॉब, तो 80-90 आदमी जॉब छोड़ के क्या होटल्स बंद हो रहे हैं, तो वो जाने पड़ रहे हैं। आपके हैं जो ऐसे होटल्स बंद हो रहे हैं, कुछ आपके नॉन में या आसपास कैसे होंगे जो?
30 से 40 होटल जो हैं इस टाइम जो मेरे आसपास के हैं वो क्लोज हो रहे हैं। 30 से 40 होटल्स तो लगभग 4 से 5 हज़ार आदमी जो वो बेरोजगार हो रहा है इस टाइम। 4 से 5 हाँ जी। अभी जो आप जा रहे हैं तो ये परमानेंट जा रहे हैं या अभी कुछ? नो अभी हमें टाइमिंग दी है कि 1-2 महीने जब तक माहौल ठीक नहीं होता है कोविड का तो उस तब तक वापस आपको कॉल करेंगे। हाँ तो आपने ये देखा कि किस तरीके से यहाँ जहाँ ये जॉब करते हैं तो इनको कम से कम तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए जो है इनको जॉब से मना कर दिया कि आप घर बैठिए, तो इस कारण से जा रहे हैं। और इन्होंने ही बताया कि किस तरह से आप बद्दी में भी इस समय बहुत बुरा हाल है, पिछले साल भी होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा चोट पहुँची थी और अब फिर से जो संभावना जताई जा रही है तो उस वजह से काफ़ी लोगों में जो है वो डर है। एक तो होटल जो है वो बंद हो रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पे जो है उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने हमारे साथ बात की, तो आगे हम और बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से घरों को जाने को तैयार हो रहे हैं। हाँ जी एक मिनट, आप हमसे कहाँ पे जा रहे हैं? मैं वैक्सीन ना सॉरी उधर ही टेस्टिंग ले जा रहे हैं। अच्छा टेस्टिंग के लिए, तो अभी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं या कहाँ? नहीं नहीं मेरे ऑफिस से आ रहा हूँ मैं। अच्छा, ऑफिस कहाँ पर है आपका? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 39 वाटरबाग। कोई सिम्टम्स? नो वैसे करो 39 में है तो आप चंडीगढ़ में इंटरनल कोई जो सरकारी संस्था है वहाँ भी करवा सकते हो, तो स्पेशली आप यहाँ मतलब बस स्टैंड में करवाने आए कोई? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा स्टाफ आया उनके साथ ही आया हूँ मैं। अच्छा आपका स्टाफ भी आया हुआ? हाँ जी। तो मतलब वही है कि वहाँ पे थोड़ा रश ज़्यादा रहता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपने देखा कि यही बार बार समस्याएं सामने आ रही हैं। कुछ तो लोग आप देख सकते हैं कि जो बाहर जा रहे हैं, जो अपने घरों को जा रहे हैं, संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन लग रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मालिकों ने ही उनको नौकरी से साफ स्पष्ट कर दिया कि आप 1 से 2 महीने के लिए जो है घर पर बैठे, तो ये समस्या सामने आ रही है। और कुछ जो हमारे सामने समस्या है लोगों की ये आई है कि अगर इंटरनल सरकारी संस्थाओं में जाकर वो करवा रहे हैं तो वहाँ को 4 से 5 घंटे तक मिनिमम उनको खड़े रहना पड़ता है, जिस कारण उनको दिक्कतें जो है सामने आ रही है। और इसी वजह से वो यहाँ चंडीगढ़ के 43 के बस स्टैंड पर स्पेशली कोविड टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको आगे भी जो है वो अपनी रिपोर्ट देनी है और उनको जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। पर वहाँ क्यों में लगने के कारण, लाइन में लगने के कारण उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं अब हमारे साथ बात करके। हाँ जी सर, ये जो आपने कोविड का जो ये कैंप लगाया इसके बारे में बताएं। हाँ जी, ये टेस्ट आम पब्लिक के लिए लगाया हुआ है, जो जिसने ट्रैवलिंग करनी है किसी को स्टेट में ना अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं वो कहते हैं बस में तभी ट्रैवल करें जो नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता उसको इमीडिएटली हम उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं ताकि वो अपनी स्टेट में जाके क्वारंटाइन हो जाए। इधर से मैसेज भी जाता है कि वहाँ पे भी जाके उनकी स्टेट को इन्फॉर्म कर देते हैं ये डिपार्टमेंट में, वो वहाँ पे उस वो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है स्टेट को, वो स्टेट वहाँ पे क्वारंटाइन उनको करती है, वो उनका अपना प्रोसीजर। ठीक है, हम तो सिर्फ ये ट्रैवलिंग के लिए जिसका होता है उनको टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। मैक्सिमम कराते हैं 50-60 आदमी मतलब की होते ही हैं डेली। अच्छा, जो हाँ 50-60 आदमी डेली टेस्टिंग के लिए आते हैं हमारे पास, वो हमको टेस्ट करा के जिसकी पॉजिटिव होती है रिपोर्ट उनको पॉजिटिव हम रिटर्न भी दे देते हैं ना उनको। अच्छा, जिनकी अगर नेगेटिव है तो उनकी भी उनको फिर मैसेज नेक्स्ट डे आ जाता मोबाइल पे, कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिया होता उनका। नेक्स्ट डे आता पर अगर रिपोर्ट जहां कहीं मांगते हैं मान लो वो हिमाचल का वो नेगेटिव आया, हां तो हिमाचल जाते तो उनके पास क्या प्रूफ है? किनके पास? उनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं पेश आएगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास मैसेज भी आ जाता है ना, कई तो ऐसे है ये 72 घंटे के लिए अवेलेबल है, ये 72 घंटे के लिए वैलिड है, अगर आज टेस्ट कराते हैं वो 3 दिन तक कहीं भी जा सकते हैं। अभी कितने दिनों से ये लग रहा है यहाँ पे क्या? ये हम शिफ्टें चलती हैं, कभी डॉक्टर्स चेंज होते हैं, कभी हम भी चेंज होते हैं, कभी और, ये काफ़ी लंबे से चल रहा है टाइम से। तो आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन ने इस महामारी से निपटने के लिए बस स्टैंड में भी कैंप लगाया हुआ है कोरोना टेस्ट, जहाँ पर हो रहा है लोगों का, और जिनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई जाती है वहाँ को, वहाँ के जहाँ भी वो उनके रहने वाले हैं सरकार, जैसे हिमाचल का कोई है या कहीं आदि उसका है, तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पर आप देख सकते हैं फिर भी
बड़े स्तर पे लोगों की जो रवानगी है वो जारी है, पर फिर वहीं सरकार भी निपटने के लिए उनको लगा कि उनको जाने वालों को जो घर जा रहे हैं अपने उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए ये कैंप लगाया गया है।